जिला स्वास्थ्य समिति जनपद गोरखपुर द्वारा सीएमओ कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार कक्ष में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद गोरखपुर के तहत सेवा प्रदाताओं के लिए न्यू कंट्रासेप्टिक विषयक दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ वर्करों के साथ फैमिली प्लानिंग के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतरा का इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाता है और यह कितना कारगर है, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उन्हें जानकारी दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया, तो ये फर्स्ट बैच है सीएचओ का सर, कम है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत अच्छा काम किए हो पहले से ही, इसीलिए आप लोगों को इसमें सिलेक्शन दिया गया है। प्रीमियर प्रोजेक्ट है ये सीएचओ मॉडल, जो है इजरायली बेस्ड मॉडल है। हमारे भारत सरकार की टीम जो है इसराइल गई थी, वहाँ उन लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स जो है किसी भी हालत में सैचुरेट नहीं हो सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स हम बना नहीं सकते हैं। तो कुछ कामन बीमारियों के लिए हम लोग क्यों ना इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जाए, जो कि शहरों में वर्कलोड, जिला अस्पतालों में वर्कलोड कम रहे और आप लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दे करके स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इसी के कड़ी में आप लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है और आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। बढ़िया से आप लोग ट्रेनिंग करिए और बढ़िया काम करिए। जिस तरह से आप लोगों को सिलेक्शन मिला है, आप लोग अच्छे हैं और इसी तरह से आप सब लोग अपना काम भी अच्छी तरह से करिए और 100% अपने अपने जगह का टारगेट मेंटेन करिए, जिससे हम लोगों को खुशी हो और आप लोगों को फिर से हौसला अफजाई देने के लिए हम लोगों को मौका मिले। धन्यवाद, आप लोग ट्रेनिंग करें, हम बैठते हैं। तो आपको पता है कि कैसे कैसे खानी को एक बताएं, आप बताइए। अगर मंडे को कोई महिला आई है तो मंडे को देंगे, दो दिन गैप करके मैम फिर थर्सडे को देंगे मैम। उसको बोली कि एक दिन डिसाइड करे, आज जैसे आज उसने लिया आज और दो दिन छोड़ के कल और परसों छोड़ के नर्स हो, ठीक है। तो जैसे ट्यूसडे को आई तो वैसे थर्सडे शायद उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी उम्र की महिला जिसका इसका उपयोग कर सकती है, चाहे उन्हें बच्चे हो अथवा नहीं हो। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। तो जिन महिलाओं को हॉर्मोनल गोली लेने से दिक्कत हो रही हो या वो नहीं पसंद करती हो या उनको किसी चिकित्सकीय कारण से मना किया गया हो, वो भी छाया का इस्तेमाल कर सकती हैं। छाया गर्भ निरोधक गोली लेने का स्केड्यूल क्या है, समय सारिणी देखिए। पहले 3 महीनों तक सप्ताह में 2 बार खानी होती है, इसके बाद सीओसी माला डी माला या फिर मिनी पिल है वो रोज लेनी होती है, नियत समय पे लेनी होती है। इसमें फायदा ये है कि हम शुरू के 3 महीने में दो बार लेंगे, उसके बाद। आज हमारे प्रेरणा सभागार में सीएचओज जो अपॉइंट किए गए हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, उनका जो है फैमिली प्लानिंग के संबंध में अंतरा कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, जो फैमिली प्लानिंग में बहुत अच्छा डिवाइस आया हुआ है जिसके 3 डोज लगाए जाते हैं जो इंजेक्शन के रूप में है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है जो लगने के बाद प्रेगनेंसी डिले हो जाती है, तो उसका जो हो रहा था प्रशिक्षण हो रहा था उसी की कार्यशाला आयोजित की गई है, पर सभी को बुला करके उसकी पर्याप्त कार्यशाला आयोजित करती रही।